दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए परिवहन निगम की बड़ी भर्ती की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अप्रैल 2023 की ये बड़ी भर्ती की अपडेट आ चुकी है। 12वीं पास कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंडक्टर की पोस्ट निकली है, 360 वैकेंसी यहाँ पर निकली है, जिनके लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। लास्ट डेट आवेदन करने की 1 मई 2023 है। सैलरी 20,200 से 64,000 रुपये है प्रति माह के लिए। आयु सीमा 18 से 45 वर्ष है। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि क्या यहां पर कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इस भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं परिवहन निगम भर्ती 2023 की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन परिवहन निगम के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। कंडक्टर की पोस्ट निकली है, 360 वैकेंसी यहाँ पर निकली है। बात अगर इसकी इम्पोर्टेंट डेट की जाए तो आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 मई 2023 है। फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट भी 1 मई 2023 है। सैलरी 20,200 से 64,000 रुपये है Level 3 के अंतर्गत प्रति माह के लिए। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 12वीं क्लास पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इंटर पास की भर्ती निकली है, 18 से 45 वर्ष आयु सीमा है। फीस आप कैटेगरी वाइज नोटिफिकेशन की PDF से ही चेकआउट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पे। ऑनलाइन तरीके से ही आप अप्लाई कर सकते हो। HP हिमाचल जॉब लोकेशन है, ऑल ओवर इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। hppsc.hp.gov.in ये इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। दोस्तों इस भर्ती की नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड करने के लिए और डायरेक्टली अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट indsarkarinaukri.in का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके इस पेज के एंड में आप देख सकते हो इम्पोर्टेंट लिंक्स का यहाँ पर ये सेक्शन दिया गया है। यहाँ पर आप जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के इस लिंक पर क्लिक करोगे तो इसकी नोटिफिकेशन की PDF ओपन हो जाएगी, जो कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से आउट की गई है, HPPSC की ओर से जारी की गई है। और यहाँ पर डिपार्टमेंट इसमें रहने वाला है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के अंतर्गत यहाँ पर ये भर्ती की जा रही है। ऑनलाइन आवेदन पत्र आपसे मंगाए जा रहे हैं। 360 वैकेंसी यहाँ पर टोटल निकली है। सबसे पहले आप यहाँ पर इसके इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन रीड आउट कर सकते हो अप्लाई करने से पहले, देन उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के अंतर्गत यहाँ पर ये भर्ती निकली है। कंडक्टर की पोस्ट है, 360 वैकेंसी निकली है। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आपको यहाँ पर दी गई है, जैसे कि अन्य जो के लिए 130 पद है। अन्य जो के यहाँ पर अंतर्गत जो कैटेगरी है उनके लिए आप चेकआउट कर सकते हो। SC ST सभी कैटेगरी के लिए वैकेंसीज की इन्फॉर्मेशन है। सैलरी Level 3 के अंतर्गत है, 20,200 से 64,000 प्रति माह के लिए। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 12th क्लास पास यानी कि 10+2 पास इंटरमीडिएट पास कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर आप डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी चेकआउट कर सकते हो। एज लिमिट 18 से 45 वर्ष है। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की भी इंफॉर्मेशन आप चेकआउट कर सकते हो। एलिजिबिलिटी कंडीशन आप रीड आउट कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर आप जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे इस PDF को तो हाउ टू अप्लाई का आपको एक प्रोसीजर दिया गया है कि कैसे आप लॉगिन या फिर रजिस्ट्रेशन करते हुए फॉर्म फिल कर सकते हो। एग्जाम सिटी की बात की जाए तो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, धर्मशाला, कुल्लू, मंडी, शिमला, नैन, सोलन, गुना, केलोंग, यहाँ पर आपको ये एग्जाम सेंटर दिए गए हैं। मोड ऑफ पेमेंट डिटेल की बात की जाए तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आपको ये PDF स्क्रॉल डाउन करनी होगी तो यहाँ पर आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया दिया गया है। रिटर्न ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसके लिए ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन ये एग्जामिनेशन होगा। यहाँ पर आपको पैटर्न की इन्फॉर्मेशन दी गई है, पैटर्न आप यहाँ से एग्जाम का चेकआउट कर सकते हो। देन उसके बाद एग्जाम को सिंपल तरीके से क्लियर कर सकते हो। अप्लाई ऑनलाइन करने से पहले आपको ये नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है।
इसको पूरा पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। उसके बाद हमारे पोर्टल पर ही अप्लाई ऑनलाइन का भी लिंक है, इस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इसका ये ऑनलाइन का पोर्टल ओपन हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पर पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको यहाँ पर यूजर आईडी यहाँ फिल करनी होगी, उसके बाद में पासवर्ड फिल करना होगा, उसके बाद में यहाँ पर एक कैप्चा फिल करते हुए लॉगिन करके फॉर्म फिल करना होगा। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन यहाँ पर नहीं कर रखा है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब पर क्लिक करना होगा। यहाँ भी और यहाँ भी ये न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, इस टैब पर आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे तो इसका रजिस्ट्रेशन का पोर्टल ओपन हो जाएगा। सबसे पहले टर्म एंड कंडीशंस आप यहां से रीड आउट कर सकते हो, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं अप्लाई करने के। उसके बाद में ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना होगा, उसका आंसर देना होगा। यहां पर पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड आपको एंटर करना होगा। उसके बाद में सिक्योरिटी की आपको यहां पर ये फिल करनी होगी और आई एग्री के चेकबॉक्स को क्लिक करते हुए रजिस्टर टैब पर क्लिक करना होगा। तो आपके मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस पर एक ओटीपी आएगा, उसको यहां पर फिल करने के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। जी हां दोस्तों, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद में लॉगिन पासवर्ड से आपको लॉगिन करना होगा और उसके बाद में बेसिक डिटेल फिल करनी होगी। जो जो डिटेल आपसे उसमें मांगी गई है वो आपको कंप्लीटली फिल करनी होगी। पूरी बेसिक डिटेल फिल करने के बाद में आपको क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी होगी, उसके बाद में आपको फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करने होंगे, फीस पेमेंट करना होगा और उसके बाद में फाइनली फॉर्म आपको सबमिट कर देना होगा। तो दोस्तों, ऐसे आप इस भर्ती के लिए सिंपल तरीके से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। बाकी की जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हो, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।